बेस्ड सर्च चलाई है जिसके थ्रू कोई भी रिक्रूटर सिंपली जस्ट टाइप करेगा कि उन्हें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू कि अगर आप उन रिक्रूटर के सर्च रिजल्ट में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ऑप्टिइज होनी चाहिए और दूसरी चीज अगर कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे आ गया तो दैट प्रोफाइल हैजू लुक गुड इनफ सो दट दे दोनों चीजों पे काम करेंगे मैं आपको अपनी प्रोफाइल का एग्जाम्पल ले लेकर हर एक कॉम्पोनेंट को एक्सप्लेन करूंगी जिसमें सबसे पहली चीज होती है आपकी प्रोफाइल फोटो जैसे ये मेरी LinkedIn की प्रोफाइल फोटो है अब हम इसे यूज करके उन पॉइंटर्स को चेक करते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है सबसे पहले आपकी प्रोफाइल फोटो रिसेंट होनी चाहिए सो so, जैसे मेरी ये फोटो है आई एम होपिंग की मैं अभी भी ऐसी ही दिखाई देती हूँ रिसेंट फोटो सेकेंड इट शुड लुक लाइक यू एंड नॉट लाइक एन ए आई बेस्ड वीडियो सो आजकल बहुत सारे लोग ए वाली फोटो यूज कर रहे हैं वैसा नहीं

जिसने टेडेक्स भी अटेंड किया हुआ है एंड अपने कॉलेज की भी मैंने फोटो लगाई हुई है उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हो एंड कोशिश करो अपने को थोड़ा यूनिक बनाओ थर्ड कॉम्पोनेंट होता है आपकी हेडलाइन यानी कि जो मेरा नाम है उसके नीचे क्या क्या लिखा आ रहा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट शुड से मोर देन जस्ट योर जॉब

चाहती तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर भी लिख सकती थी बट उसकी बजाय मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स और उनपे मेरे कितने नंबर्स हैं उनको मेंशन किया है अगर आप कुछ नंबर्स वगैरह इंक्लूड करते हो ना तो उससे ऐसा दिखाई देता है कि आपने कितना काम या कितना रिजल्ट लेके आए हो सो so वो चीज़ें आप मैंशन कर सकते हो एंड फाइनली यूज़ की वर्ड्स जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई सर्च करके आएगा तो उसे आपकी प्रोफाइल टॉप पे दिखाई देनी चाहिए सो so मैंने यहाँ पर आई एम अहमदाबाद का की यूज़ किया है ताकि अगर कोई भी उस कॉलेज के बेसिस पे सर्च करके आए तो उन्हें मैं डायरेक्टली मिल जाऊं अगला फीचर है प्रोनाउंसिएशन का सो so, लिंक ने एक बहुत नई चीज एड की है जिसके थ्रू अगर आपका नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जैसे कई लोगों का नाम बहुत ही डिफरेंट होता है प्रद्युमन या कई ऐसे नाम होते हैं जो लेने बहुत डिफिकल्ट होते हैं फॉर सम पीपल सो उस केस में आप क्या कर सकते हो आप अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन को एड कर सकते हो ये कैसे करते हैं तो मैं आपको अपनी मोबाइल की ऐप के थ्रू ये शो कर देती हूँ हम एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाएंगे प्रोनाउंसिएशन वाले सेगमेंट में आएंगे एंड देन आई विल

तो उस केस में आपको फॉलो और कनेक्ट दोनों का ऑप्शन मिलेगा जो कि पहले सिर्फ क्रिएटर्स को मिलता था यानी कि आप अपनी प्रोफाइल पे जाके चूज कर सकते हो कि क्या आप फॉलो का बटन शो करना चाहोगे या आप कनेक्ट का बटन शो करना चाहोगे अब आप कौन सा चूज करोगे वो डिपेंड करेगा कि आप लिंकड को किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो अगर तो आप अपनी वॉइस स्प्रेड करना चाहते हो आप फेमस होना चाहते हो या क्रिएटर बनना चाहते हो इन दैट केस आप यहाँ फॉलो बटन लगा लो लेकिन अगर आपका मेन पर्पज नेटवर्क बिल्ड करना और जॉब सीख करना है इन दैट केस आप कनेक्शन बटन को यूज करो सो दैट वेन एवर अ पर्सन कम्स ऑन योर प्रोफाइल रादर देन फॉलोइंग सिंपली कनेक्ट विद यू अगला कॉम्पोनेंट होता है समरी या अबाउट सेक्शन सो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है पहले आपका अबाउट सेक्शन फीचर सेक्शन के भी नीचे आता था यानी कि काफी scroll करके कोई person आपकी profile के बारे में में जान सकता था। in fact, अभी भी इंडिया में जो LinkedIn का पोर्टल है, वो ऐसा ही दिखाई देता है बट इन लॉट ऑफ कंट्रीज एंड ये चीज रिलीज भी हुई है कि 2024 में मेजर चेंजेस कमिंग आपका अबाउट सेक्शन सबसे टॉप पे चला जाएगा तो जैसे ही कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आएगा टू रीड सबसे पहले तो आपकी समरी में ना सिर्फ आपका रोल मैंशन

थिंक योर जॉब मैटर्स जैसे मैंने यहां पर क्रिएटिंग इंपैक्ट लिखा है कि आई थिंक माई रोल क्रिएट सम इंपैक्ट इन द सोसाइटी आफ्टर दैट यू शुड राइट वॉट इज द डिफरेंस दैट यू आर मेकिंग वर्सेज लेट से सम्स इसके लिए आप इम्पैक्ट शो कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर कोट किए हैं कि हाउ मच फॉलोअरशिप डू आई हैव ऑन डिफरेंट फाइनल पॉइंट होता है की वर्ड्स को यूज करना सो आपने आजकल देखा होगा राट ऑफ पीपल राइट दिस इन देअर प्रोफाइल्स कि दे आर एक्सपर्ट ऑन सो एंड सो और दे आर देलाइज या फिर कि वो कोच हैं अभी बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए हैं जहां लिखा गया है कि रिक्रूटर्स इन बज वर्ड्स को अवॉइड करते हैं इट्स अ स्ट्रेट नो नो सो रादर देन यूजिंग बज वर्ड्स यू यूज की

So, अगर आप अपनी प्रोफाइल के माय नेटवर्क पेज के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको अपने करंट नेटवर्क के बारे में पता लगता है अगर आपका लिंकड पे नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है एंड यू वॉन्ट टू ग्रो इट तो इसका एक बहुत आसान तरीका होता है सिंकिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट या ई लिस्ट आज की डेट में लिंकड ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है लेकिन स्टिल अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल सिंकड है विद योर कॉन्टैक्ट्स और नॉट तो उसका एक ये तरीका होता है कि आप अपने माई नेटवर्क पे जब जाओगे वहां पे ही आपको नीचे एक कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देता है सबसे पहले तो अगर ये सिंकड है तो आप स्क्रॉल डाउन करके इन्हीं को ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दैट अगर आपका सिंक्ड नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे राइट हैंड साइड पे आपको मैनेज कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा जब आप उस पर क्लिक करोगे देन यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी सिंक हो रखी हैं जैसे मेरा एवरीथिंग इज तो इससे क्या होएगा आपको सजेशन मिल जाएंगे दिस विल नॉट ऑटोमेटिकली सेंड रिक्वेस्ट टू दो पीपल लेकिन आपको एक लिस्ट मिल जाएगी ऑफ पीपल यू मे हैव कनेक्टेड बायर फोन और ई मेल एड्रेस एंड दैट विल मेक इट इजी फॉर यू टू सेंड रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू देम जो कि फाइनली आपको जॉब जॉब्स में या फिर के और कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जब आप स्क्रॉल करते जाओगे तो वो आपको मिलेगा एक्सपीरियंस का यानी कि वर्क एक्सपीरियंस और उसके नीचे एजुकेशन का अब जब आप अपनी यहां पे करोगे उसी के साथ साथ आप की को भी यूज कर सकते हो जो आपने समरी सेक्शन में यूज किए हैं एंड अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस में उसको इंक्लूड कर सकते हो उसके बाद आता है हमारा सर्टिफिकेशन का सेक्शन यानी कि अगर आपने कोई कोर्सेज परस्यू किए हैं जिसके लिए आपके पास एक शेयरबल सर्टिफिकेट है, तो आप उसको यहां पे ऐड कर सकते हो एक चीज का ध्यान रखना कि लिंकडिन का अपना खुद का भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको लर्निंग बोलते हैं अगर आप उस पे जाके करते हो तो उनके सर्टिफिकेट्स भी आप यहां डायरेक्टली डायरेक्टलीड कर सकते हो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लिंकडिन टाइम टू टाइम काफी सारे फ्री कोर्सेज रिलीज करता रहता है अदरवाइज वो पेड होते हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है उनके लिए बट रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 2024 में duration, में टिल अ ड्यूरेशन बेस्ड फ्री देंगे अगला सेक्शन होता है स्किल्स का सो so, स्किल्स में काफी मेजर चेंजेस हुए हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% परसेंट रिक्रूटर्स ये स्किल्स के सेक्शन को नोट डाउन करते हैं वाइल्ड सिलेक्टिंग सम्मान प्लीज ऑल्सो नोट क्योंकि मैंने बताया था अब ए आई बेस्ड सर्च होगी तो मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स आर गोइंग टू स्पेसिफाई उन्हें कौन से स्किल्स चाहिए एंड लिंगडिन का एल्गोरिदम जो ए आई यूज करेगा उसमें मेजर चीज यही होगी टू मैप आउट दो स्किल्स जो आपने अपनी प्रोफाइल में मैंशन किए होंगे विद द स्किल्स रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर सो यू हैव टू अपडेट दिस सेक्शन इसीलिए लिंगडिन ने अब फिफ्टी स्किल्स के बजाय हंड्रेड स्किल्स एड करने का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है सो दिस इज अ मेजर चेंज दैट हेज है तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें अपनी इस लिस्ट को अपडेट करना है एंड देन वी नीड टू रिक्वेस्ट अदर पीपल टू एंडोर्स फॉर दी स्किल्स आपकी एंडोर्समेंट जितनी रेलेवेंट होगी उतना अच्छा है एंडोर्सिंग का मतलब कि कोई पर्सन आपको कह रहा है आपको वेरीफाई या वाउच करवा रहा है कि आई नो कि ये पर्सन इस स्किल में अच्छा है फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल लिखा हुआ है मार्केटिंग का अब उसमें जो लोगों ने मुझे एंडोर्समेंट दी है उसमें से सबसे बड़ी एंडोर्समेंट है ऑफ पीपल जिनके अंडर मैंने काम किया था इन दी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वी स्किल्स सो मैंने जहां काम किया अगर वो मुझे एंडोर्स कर रहे हैं फॉर दैट स्किल तो दैट

को आपकी प्रोफाइल आपकी वेबसाइट आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके ब्लॉग के ऊपर रिडायरेक्ट करना है तो आप वो कर सकते हो जैसे मेरे पास प्रीमियम है तो मैंने अपनी वेबसाइट को लिंक कर रखा है अगर आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाते हो मैंने जहां पे कॉन्टेंट लिखा हुआ है वहां पर आपको विजिट माय वेबसाइट का बटन दिखाई देगा अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरी वो वेबसाइट खुल जाएगी जहां जा मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है ऑन एम बी इंटरव्यू प्रिपरेशन द नेक्स्ट थिंग इज ओपन टू वर्क सो जब आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हो वहां पर एक ऑप्शन होता है ओपन टू उस पर आप क्लिक करते हो देन यू क्लिक ऑन फाइंडिंग अ जॉब यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आता है कि आप ओपन टू वर्क किसको किसको विजिबल कराना चाहते हो इसमें दो ऑप्शन होते हैं फर्स्ट इज रिक्रूटर्स

बेसिस की आपने ये इनेबल किया है या नहीं सो दैट इज दर थिंग यू शुड डू इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब इसके अलावा एक और पोस्ट आई है जिसमें लिंगडिन ने रिवील किया है कि ट्वेंटी ट्वेंटी के साथ साथ कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आप उन स्किल्स को बिल्ड कैसे कर सकते हो उस रोल में करना क्या होता है एंड मेनी अदर डिटेल्स सो वॉट आई विल डू इज आई विल लिंक दिस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ताकि जब आप उस पर क्लिक करो तो आपको किसी भी रोल के अंडर उसकी जॉब प्रोफाइल्स का भी लिंक मिल जाएगा अब उस पर क्लिक करो एंड यू विल गेट टू सी ऑल दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल इन योर एरिया सो विद दिस नाउ यू हैव एन अपडेटेड एडवांस गाइड टू प्रिपेयर योर ओन लिंकड इन प्रोफाइल इन 2024। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो अबाउट दिस वीडियो और एनीथिंग एल्स जस्ट पुट इट डाउन इन दी कॉमेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम